यहाँ पे बच्चों लोग जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग अभी फिलहाल हो रही है वो ज्यादातर तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है, तो बच्चों को उतने ज्यादा जीएसटी का नॉलेज नहीं है जो कि जीएसटी में लोगों को वो फाइल सही से फाइल कर सके। तो उसको कानून, जो जीएसटी कानून है, उस कानून को पूरी तरह जानना और उस जानने के बाद उस पे काम करना, ये हमारे उद्देश्य है वो जीएसटी को पढ़ाने का, ठीक है। और उसमें जो बारीकियां हैं जीएसटी की, बारीकियां हैं वो बारीकियों को समझना कि कहाँ गलती हो सकती है और कहाँ इसको सुधार किया जा सकता है, और इसको जो भी व्यापारी हैं वो व्यापारी को समझाना कि सर आप जो है ये आप जो जीएसटी अभी दे रहे हैं वो कैसे इसको बेहतर तरीके से दे सकते हैं और बेहतर तरीके से इसको रिकॉर्ड को रख सकते हैं, वो चीज को जागरूकता फैलाना, ये मेरा उद्देश्य है। आपका परिचय सर? मैं अमित कुमार सिन्हा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग में हूँ और मेरे गया में ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस, और दिल्ली में मेरी हेड ऑफिस है फिलहाल, और स्वराजपुरी रोड में मेरी ऑफिस है, और वहाँ से मेरी जो भी है और टैक्स कंसल्टेंसी या जीएसटी कंसल्टेंसी हुआ, टैक्स ऑडिट या और भी अदर तरह के ऑडिट हुआ, और कोई भी फिनेंशियल रिलेटेड जो भी हमारे जो है वो सर्विसेज सारा हम प्रदान करते हैं। कहाँ से आए हैं सर? गया से। सर आज जो ट्रेनिंग है जीएसटी और टैरिफ को लेकर है, यहाँ पे जो हम लोग का ट्रेनर हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में हम चाहते हैं कि यहाँ बच्चे जो हैं जो प्रॉपर सरहाटी के हैं या जो इस सेंटर पे आ रहे हैं उनको कुछ अलग तरह का सेवा हम लोग दे सके, उनको प्रॉपर जीएसटी और टैली के बारे में ट्रेनिंग मिल सके। इसीलिए मिस्टर अमित सर को, जो एक बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्पेशली गया से उनको बुलाए हैं, और आज देखिए छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी के दिन पे भी उन्होंने यहाँ पे आने का कष्ट किया, उन्हें से बहुत दिन के रिक्वेस्ट के बाद वो यहाँ पे आए हैं और एक बेहतर तरीके से जीएसटी और टैली के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो टैली और जीएसटी सीखने के बाद वो स्वरोजगार कर पाए या एज ए फ्रीलांसर काम करके वो कहीं भी अपना 10,000, 20,000, 50,000 का अर्निंग कर सकते हैं। यही मेरा मेन उद्देश्य है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ये कोर्स करने के बाद यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको कहीं भी बाहर से जीएसटी या रिटर्न फाइल करने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, वो यहाँ की यूथ अगर सेम अगर वही ट्रेनिंग लेकर अगर उनको हेल्प करेगा तो शायद उनको बहुत हेल्पफुल मिलेगा यहाँ के बिजनेसमैन के लिए। यही मेरा सोच है, इन्हीं सोच के साथ में आज मैं अमित सर को यहाँ पे बुलाया हूँ और वो बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम नीलम कुमार है और मैं एज ए सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान सरघाटी का, और ये जो है संस्था जो है बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान, ये गया का एकमात्र सेंटर है जहाँ पे जीएसटी और टैली का ट्रेनिंग दिया जा रहा है और वो भी मुफ्त में बिहार सरकार के द्वारा, और जो यहाँ से बच्चे पास होते हैं उनको बिहार सरकार से बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से अप्रूव सर्टिफिकेट मिलता है। अभी तक यहाँ सर्टिफाई अगर लर्नर की बात करें तो 156 बच्चे जो हैं सर्टिफाई हो चुके हैं और ऑलरेडी उनका नाम सारा डिटेल्स जो है बिहार सरकार के साइड पर देखने को मिल सकता है। और इससे क्या फायदा होता है, जो बच्चे को डिटेल्स बिहार सरकार साइड पर मिलता है वो किसी भी कंसिस्टेंसी को या फिर कहीं भी जीएसटी और टैली ट्रेनर को या फिर उनको काम करने के लिए जरूरत होती है तो बहुत तरह की कंपनी उनको अप्रोच करती है, क्योंकि वो जो यहाँ से लर्नर जो पास हो रहे हैं उनका फोन नंबर भी उस पोर्टल पे बिहार सरकार पोर्टल पर डला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब की भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।